हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जी स्विचअप। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रिपब्लिक डे की जो टैबलू होते हैं यानी झांकियां होती है वो किस तरह से डिजाइन और किस तरह से सिलेक्टेड होती हैं। तो इसके पीछे का प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने डिससेटिस्फेक्शन जताया क्योंकि उनका जो प्रपोजल था टैबलू निकालने का रिपब्लिक डे पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने इस डिसीजन के पीछे जितने भी गाइडलाइंस है, जितने प्रोसेस है, वो समझाने की कोशिश की है। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग टैबलू एंड रिपब्लिक डे परेड। सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली की जो रिपब्लिक डे होती है वो लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हर साल जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और ये जो ढांचा होती है, जो टैबलू होता है, वो राजपथ यानी राजपथ जो दिल्ली में है वहां पे सन 1950 में जो है पहली बार हुआ था। और उससे हर एक साल जो है ये जो है ढांचा जो है टैबलू जो है वो निकाले जाते हैं। तो 1950 जो है फिगर आपको याद रखना है। द परेड मार्चेस, जो जो परेड है आपकी, वो राजपथ से राष्ट्रपति भवन तक जो है निकलती है और उसके बाद जो है रेड फोर्ट जाती है। और इसी तरह से जो है टैबलू जो होते हैं, जो ढांचा होती है, ये डिफरेंट कल्चर जो है अलग अलग स्टेट्स का जो है डिस्प्ले करती है। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस, जो प्रोसेस है टैबलू जो है झांकी जो है डिसाइड करने का, उसके पीछे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर द परेड एंड ये कोऑर्डिनेट करती है हर एक टैबलू को डिसाइड करने के लिए। क्या होता है, सितंबर हर एक साल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री सब स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, सबको इन्वाइट करती है ताकि वो अपनी परेड जो है या फिर टैबलू जो है वो निकाल पाए। द प्रपोजल जो है उसके बाद सबमिट होता है और उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एक एक्सपर्ट कमेटी को जो है अपॉइंट करती है। और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, कोरियोग्राफी और इस सब में जो है एक्सपर्ट होते हैं। तो उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जो भी स्टेट्स या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स या फिर जो भी यूनियन टेरेटरीज जो है सेलेक्ट होती है उनको जो है नेक्स्ट राउंड में बुलाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो टैबलू डिसाइड होता है उसमें जो है क्या चीज दर्शाया जाता है यानी क्या चीज का प्रदर्शन होता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है जनरल गाइडलाइंस जो है निकाली हुई है जिसके इर्द गिर्द जो टैबलू होते हैं वो जो है होने चाहिए। तो इस साल जैसे आप लोगों को बता दूं, मैं इस साल का जो थीम होने वाला है हमारा वो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको पता है 2022 में हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे और अमृत महोत्सव भी चल रहा है पिछहत्तर साल की आजादी के जो है जश्न मनाने के लिए। तो इस बार जो थीम होने वाली है वो फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया एट द रेट 75, आइडियाज एट द रेट 75, अचीवमेंट्स एट द रेट 75, एक्शंस एट द रेट 75 और रिजॉल्व एट द रेट 75। ये सब के इर्द गिर्द जो है आपका थीम होगा और आपकी जो टैबलू है इन्हीं के आसपास होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि जो टैबलू होते हैं दो डिफरेंट स्टेट्स का या फिर यूनियन टेरिटरीज का, दे कैन नॉट बी सिमिलर, वो एक जैसे नहीं हो सकते और उनमें कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए जो कि कंट्री की डाइवर्सिटी को और कंट्री के जो कल्चर है उसको जो है रिप्रेजेंट करती हो। द टैबलू मे नॉट कंटेन एनी राइटिंग और लोगोस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो टैबलू होते हैं यानी जो झांकियां होती है वो कुछ भी जो है लिख नहीं सकते, कोई लोगो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नाम, स्टेट का नाम जो भी है, फिर यूनियन टेरिटरी का नाम है या फिर कोई डिपार्टमेंट जिसकी भी झांकी निकलने वाली है वो जो है हिंदी में लिखना चाहिए। फ्रंट पे यानी जो व्हीकल होगा उसके सामने जो है हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश जो है उसके पीछे लिखा होगा और जो रीजनल लैंग्वेज है उस स्टेट्स पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या यूनियन टेरिटरी की वो आपके साइड्स में लिखा होगा। तो ये जो है आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद आते हैं साइज पे, साइज किस तरह से डिसाइड होता है। तो हर एक पार्टिसिपेंट को एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली, ट्रॉली बोलते हैं उसको जो है प्रदान की जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ताकि जो आपकी टैबलू है उसमें फिट हो जाए। लेकिन पार्टिसिपेंट जो है कुछ और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कोई और व्हीकल फॉर द मिनिस्ट्री सप्लाइड जो है ट्रैक्टर और ट्रॉली के अलावा भी। तो लेकिन एक बेसिक बात का ध्यान रखा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस बात को साइज से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की पर्टिकुलर गाइडलाइन जो है निकाली हुई है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री है वो मिनिमम डिस्टेंस जो है 6 फुट का बोलती है, यानी 6 फीट का जो डिस्टेंस होना चाहिए ट्रैक्टर एंड ट्रॉली के बीच में, सो दैट वो जो है टर्न करने में या फिर जो है मैन्यूवर करने में जो है उसको आसानी हो। तो ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए टैबलू के बारे में, रिपब्लिक डे टैबलू के बारे में। तो आज हमने इस वीडियो में देखा, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इन्हीं सब वीडियोज के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल जो है आपको आपको जो है ऐसे कंटेंट प्रदान करने के लिए जो है आपको जो है पढ़ाई करनी है, ऐसी चीजों के लिए जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे स्टडी मटेरियल और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो है आपको पीडीएफ दिए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।